हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी का फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे जो कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का में ये सिलेबस है। तो पहला है हमारी साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी के अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम आज इसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी जानेंगे, उसके बाद आगे हम देखेंगे क्या क्या होता है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे लिखा है बिफोर 1870 साइकोलॉजी वाज नॉट अ सेपरेट डिसिप्लिन, रेदर इट्स वाज स्टडी इन अंडर अ फिलोसफी। कह रहा है कि 1870 से पहले जो साइकोलॉजी होता है उसको एक सेपरेट मतलब सब्जेक्ट के अंदर या फिर एक सेपरेट मैनर में नहीं पढ़ा जाता था। क्यों? इसको पहले साइकोलॉजी को किस में पढ़ा जाता था? फिलोसफी के अंदर पढ़ा जाता था। उसके बाद सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी वर एज फॉलो, मतलब क्या है कि किनका किनका इसमें कंट्रीब्यूशन है कि साइकोलॉजी क्या होता है। तो सबसे पहले थे हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलहम वंट नाम था, जो कि 1879 ओपन फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी इन साइकोलॉजी एट यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्ज़िग जर्मनी। ही इज कंसिडर एज अ फादर ऑफ साइकोलॉजी। कहने की बात यहाँ पर यह है कि सबसे पहले जो विलियम थे जिन्होंने की फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी ऑफ इन साइकोलॉजी, मतलब जो साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंटल जो लेबोरेटरी उन्होंने कब स्टार्ट किया था? 1879 में किया था। कहाँ पे किया था, कौन सी यूनिवर्सिटी थी उसकी नाम लेप्ज़िग थी, जो कि जर्मनी में है, आज भी है। और इनको हम सबसे पहले किसका, जैसे हर चीज़ के फादर माना जाता है, जैसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हो गया, तो उसी तरह इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इनका क्या कहना है। वाज एस्टैब्लिश इन 1892 एंड द फाउंडर वाज जी एस्टेलियन हॉल। कह रहा है कि एक अलग से एसोसिएशन बना जिसका नाम था अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, वो कब बना? 1892 में बना, और उसके फाउंडर कौन थे? एस्टेनली हॉल थे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे इन 1896 जॉन डर्वी एंड विलियम जेम्स सपोर्ट द फंक्शनलिज इन साइकोलॉजी। कह रहा है कि इन 1896 एक दो मतलब साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डेवरी एंड विलियम जेम्स, ये मतलब जो साइकोलॉजिकल के फंक्शनलिज्म में उसमें बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूट दिए थे या सपोर्ट किए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के अंदर ही इन 1896 सिगमंड फ्रॉयड डेवलप्ड अ थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस। कह रहे हैं कि हर चीज़ की एक थ्योरी होती है, उसी तरह इन्होंने एक थ्योरी मतलब बनाई है, बनाई थी। कब बनाई थी? 1896 में बनाई थी। उसका नाम था उसको क्या कहा जाता था, साइको एनालिसिस कहा जाता। ऑन द बेसिस ऑफ थेरेपेटी लेटर ऑन डेवलपमेंट द थेरेपी ऑफ फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम एनालिसिस। कह रहा है कि पहले जो 1896 में इन्होंने बनाया था तो उसको हम साइको एनालिसिस कहते थे, बट अब इसको किस नाम से हम जानते हैं, इस थेरेपी को फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम एनालिसिस के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1905 में आईक्यू टेस्ट डेवलपमेंट बाई आईक्यू टेस्ट, मतलब पहले ये सब कुछ मतलब मेजरमेंट नहीं होता था, बट 1905 में क्या हो गया, आईक्यू टेस्ट डेवलपमेंट बाई अल्बर्ट अल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडोर सिमोन। इन्होंने आईक्यू टेस्ट मतलब होता है इन्होंने स्टार्ट किया था ये थ्योरी। उसके बाद हम देखते हैं इन 1913 जॉन बीट वॉस्टन सपोर्ट द बिहेवियर एस्पेक्ट इन साइकोलॉजी के अंदर। उसके बाद इन 1921 स्विस साइकेट्रिस्ट हरमन रिसर्च डिवाइस पर्सनैलिटी टेस्ट बेस्ड ऑन द पेशेंट इंटरप्रेशंस ऑफ इंक ब्लॉट्स विच इज़ द नेम एज रोचर्ड्स इन इंक ब्लॉट टेस्ट। कह रहा है कि मतलब धीरे धीरे हमारे साइकोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग आने लगा, बहुत डेवलप्ड होने लगा, तो जो भी ये साइंटिस्ट है ये अपना अपना उसमें योगदान दिए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं इन 1921 फर्स्ट नोबल प्राइज फॉर साइकोलॉजिकल रिसर्च वाज गिवन टू चार्ल्स फ्रेडरिक मेंगर। कह रहे हैं कि 1921 में जो फर्स्ट नोबल प्राइज़ मिला जो साइकोलॉजिकल रिसर्च के लिए, उनको वो किनको मिला, कार्लेस को मिला था। उसके बाद इन 1921 इवन पॉलीवर डेवलपमेंट द थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंड्यूटिंग थ्रू द एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। उसके बाद इन 1935 गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिकल कम इन टू एग्जिस्ट। उसके बाद बी एफ सिग्नर प्रपोज द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडक्टिंग, मतलब ये है कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, कब क्या हुआ, कौन से ईयर में कब कौन से थ्योरीज मतलब सामने आई, और किन किन लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है या फिर सपोर्ट किया है साइकोलॉजी को, मतलब साइकोलॉजी के अंदर। एंड फर्स्ट जो नोबेल प्राइज़ था वो किन को मिला था, कार्लेस को मिला था। कब मिला था?
1921 में मिला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो जितने भी हम देख रहे हैं ये सब साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया था साइकोलॉजी के अंदर। उसके बाद ओरिजिन ऑफ साइंस ऑफ साइकोलॉजी, कहने की बात यहाँ पर ये है कि जो ओरिजिन है मतलब कहाँ से हुआ था। साइंस इज़ द बॉडी ऑफ सिस्टमेटिज नॉलेज दैट इज ग्रेडेड केयरफुली ऑब्जर्वेशन एंड मेजरिंग इवेंट्स। कह रहे कि जो साइकोलॉजी एक सिस्टमेटिक नॉलेज को क्या करती है, इकट्ठा करती है और मेजरिंग करती है कि इस जो नॉलेज है सिस्टमेटिक नॉलेज है उसके अंदर वो कलेक्ट करने के बाद उस पर क्या होता है कि रिसर्च होता है, उसके बाद पता चलता है कि इसका क्या आउटकम होगा या क्या रिजल्ट आएगा। एंड देन उसके बाद लाइक एनी अदर साइंस साइकोलॉजी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल विच अदर्स कैन रिपीट एंड वेरीफाई। कह रहा है कि अब ये नहीं कि तुम्हें डिसाइड कर दिए कि क्या मतलब इसकी बिहेवियर है, तो क्या कहा जाता है कि एक पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि उसके बाद उसको हर डाटा का क्या उसका रिएक्शन है, क्या उसका बिहेवियर है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो सब डाटा मतलब लिखना पड़ता है ताकि दूसरा भी उसको देख के मतलब वेरीफाई कर सके कि क्या सही है क्या गलत है। तो उसके बाद हम देखते हैं साइकोलॉजी कंसर्न्स विद ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन अ सिंगल इंडिविजुअल और अ ग्रुप। कह रहे जो एक ह्यूमन का जो बिहेवियर है या वो ग्रुप के साथ क्या है या फिर वो जब अकेला है तो वो क्या उसको क्या कहते हैं साइकोलॉजी के अंदर क्या करते हैं ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके बारे में बताते हैं। साइंस डील विद अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। मतलब इसमें क्या होता है कि किसी भी इंसान के क्या सिद्धांत है, किस तरह का बिहेवियर है, वही सारी इसमें देखा जाता है। तो साइकोलॉजी एज अ साइंस डील विद द मोटिव्स फीलिंग्स इमोशंस थॉट एक्शन ऑफ मैन एंड वुमेन। साइकोलॉजी मतलब एक तरह का साइंस है जिसमें देखा जाता है जो कि डील किया जाता है किसे मोटिव से, फीलिंग्स से, इमोशन से एंड थॉट एक्शन ऑफ मैन एंड वुमेन के। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे लाइक अ साइंस साइकोलॉजिकल डिस्कवर एंड एक्सप्लेनेशन अंडरलिंग लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो यहाँ पर यह है कि साइंस के अंदर जैसे साइकोलॉजिकल जब डिस्कवर हुआ या फिर उसके अंदर देखा जाता है कि क्या लॉज हैं, क्या मतलब ह्यूमन बिहेवियर का जो हर एक मतलब कैसे कोई रिएक्ट कर रहा है या कैसे किसी चीज़ को लेके वो थिंकिंग करता है, तो ये सब का एक लॉ होता है साइकोलॉजी की। डिस्क्राइब द लॉ ऑफ लर्निंग फीलिंग्स एंड थिंकिंग्स। कह रहा साइकोलॉजी ये भी मतलब जैसे लॉज हर चीज़ के लॉज होते हैं उसी तरह इसका भी लॉज है। तो साइकोलॉजी डिस्क्राइब द लॉ ऑफ लर्निंग फीलिंग्स एंड थिंकिंग्स। उसके बाद लाइक एनी अदर साइंस साइकोलॉजिकल कलर द सब्जेक्ट मैटर और फैक्ट ऑफ बिहेवियर। जैसे कि हर साइंस में हर डाटा को कलेक्ट किया जाता है उसी तरह साइकोलॉजी के अंदर भी हर चीज़ को एक कलेक्ट किया जाता है। साइकोलॉजी इज़ अ पॉजिटिव साइंस नॉट द न्यूमरेटिव एंड इट्स डिस्क्राइब द फैक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इट्स लॉज एज दे आर नॉट एज दे आउट टू बी। उसके बाद हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन क्या होता है, तो द वर्ड साइकोलॉजी कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड साइको, साइक मीनिंग ब्रेथ स्पिरिट और सोल। जो वर्ड है साइकोलॉजी वो मतलब कहाँ से अराइव्ड हुआ है या ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो ये ग्रीक वर्ड है जो कि साइको का मीनिंग होता है ब्रेथ स्पिरिट और सोल। एंड लॉगिया का मीनिंग मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ जैसे साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटो, तो ये क्या है ये इसमें जो लॉजी का मतलब क्या हो जाता है स्टडी ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो उसको लॉगिया कहते हैं। दस वी कैन कंक्लूड दैट साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। कह रहा है कि सोल का मतलब हो सकता है कि आप रूह कह सकते हैं, उर्दू में रूह कहा जाता है, हिंदी में हम उसको आत्मा कहते हैं। दे आर वेरियस डिफिनेशन फॉर साइकोलॉजी इज गिवन वैरायटी ऑफ ऑथर विच आर। देखिए बहुत सारे डिफिनेशन है साइकोलॉजी के, हर एक ऑथर ने अपना अपना डिफिनेशन दिया है। तो जब भी आप एग्ज़ाम में अगर डिफिनेशन लिखते हैं तो सिर्फ एक नहीं लिखा जाता है, कम से कम दो तीन लिखिए। तो डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट ऑफ कॉन्शियस। क्या कहता है साइकोलॉजी के अंदर क्या कहा जाता है कि किसी भी कॉन्शियस है, जो भी पेशेंट या जो भी इंसान कॉन्शियस है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया जाता है या उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, वो साइकोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ कॉन्शियस ये किसने कहा था, विलियम हंट ने कहा था जो कि फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं। एंड नेक्स्ट है पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट ऑफ द लिविंग क्रिएचर्स, ये भी एक साइंटिस्ट ने उन्होंने कहा था। उसी तरह साइकोलॉजी इज द साइंस विच एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज होल। तो सबका अपना अपना डेफिनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफिनेशन क्या है इसका। तो डिफिनेशन में हम देखते हैं कि मेन जो डिफिनेशन है साइकोलॉजी का वो क्या है। तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर द डिसिप्लिन एम्बरेंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस फॉर्म्स फंक्शन ऑफ द ब्रेन एक्शन ऑफ नेशन फ्रॉम चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें क्या है एक सिंपल लैंग्वेज में कहे तो जो भी हमारा माइंड का बिहेवियर है या फिर जो भी हम अपने लाइफ में एक्टिविटीज़ करते हैं सब का एक केयरफुली ऑब्जर्वेशन किया जाता है और चाइल्ड से लेके एडल्ट तक या जब तक है तो उसके अंदर जितने भी
टाइप के बिहेवियर होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, साइकोलॉजी के अंदर आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो या सिलेबस से लेके या एग्ज़ाम्स के लेके, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।